आवाज की दुनिया के दोस्तों प्रवचन सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, जीवन की पूर्णता प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति में है। ये हम सभी साधक भाई बहनों को जीवन के लक्ष्य के रूप में सामने रखना है। आरंभ कहाँ से किया था? आरंभ किया था यहाँ से कि जैसे ही अपने लोगों को पता चलता है कि मनुष्य हूँ, मन की और तन की बहुत सी इच्छाओं और आवश्यकताएँ खड़ी होती है, हमारी दृष्टि आराम पर नहीं रह करके आराम देने वाली वस्तुओं पर टिक जाती है। अन्न चाहिए भूख मिटाने के लिए, वस्त्र चाहिए शरीर को ढकने के लिए, शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति में उसी समय उत्पन्न हुआ असंतुलन और तनाव खत्म होगा तो विश्राम मिलेगा। इस बात को हम भूल जाते हैं पुण्यात्माओं सज्जनों। तो किस लिए अन्न का संग्रह करें, किस लिए वस्त्र का संग्रह करें, किस लिए धन का संग्रह करें? दृष्टि में से ये बात निकल ही जाती है कि अपने को आराम मिलना चाहिए। जो खास बात है वह दृष्टि से हट गई और आराम के लिए संग्रह की मनोवृत्ति भर गई। अन्न का संग्रह, वस्त्र का संग्रह और धन का संग्रह ये मनुष्य को कभी भी आराम से रहने नहीं देता। थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए तो ये बहुत ही सामान्य वैज्ञानिक स्तर की बात है, अलौकिक जीवन की बात नहीं है। पुण्यात्माओं, आवाज की दुनिया के दोस्तों, शरीर और मन के साथ तादम में रखते हुए हम लोग समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं और संसार से संपर्क बनाकर जीवन यापन करते हैं। उसके विषय में आधुनिक मनोविज्ञान वेता ये कहते हैं, हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कि मनुष्य के जीवन में स्वभाव से तो शांति रहती है, पर उसके भीतर कोई नया संकल्प उठ खड़ा होता है तो उस संकल्प की उत्पत्ति मात्र से मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। मन में एक प्रकार का तनाव पैदा हो जाता है, मनुष्य अपने भीतर बेचैनी अनुभव करने लगता है और संकल्प पूर्ति के सुख से प्रेरित होकर दौड़ धूप में प्रयास में लग जाता है। ऐसा करेंगे तो वह वस्तु मिल जाएगी, वहाँ जाएंगे तो वह काम बन जाएगा। इस तरह मनुष्य अस्त-व्यस्त हो गया, शांति से हट गया और गतिशीलता में, क्रिया में, व्यस्तता में फंस गया। अब तुम शांत हो जाइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सबका प्रिय मित्रों, ये नितांत आवश्यक है, मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है, आप मैत्री कृपा करें। हरे हरे।